फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरा नीम तारीख था। वो जैसे ही दो कदम आगे बढ़ी उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। दाएं तरफ दीवार के साथ एक पड़ी हुई कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ पड़ा था। दरिया पलट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे में वो किसी से टकरा कर गिर पड़ी। उसकी हलक से खौफनाक चीख निकली। उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने देव कामत खामस खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी सुर्ख आंखों से शोले बरस रहे थे। दरियाब इंतहाई दहशतदा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, खामस। और रात को यकीनन वही उस कमरे में आया था और खाने के बर्तनों के साथ उसकी डायरी भी उठाकर ले गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रात के पिछले पहर बोस के कमरे में दाखिल क्यों हुआ था? अगर बर्तन उठाना थे तो उसके लिए दिन चढ़ने का इंतज़ार किया जा सकता था। रात को उसको बर्तनों की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बर्तनों के साथ वो उसकी डायरी भी ले गया था और ये एक बड़ी गैर अखलाकी हरकत थी। दिन का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। अब कमरे में भी दिन की रोशनी आ रही थी। ज़रियाब ने लैंप बुझा दिया और मेज़ की तरफ आ गई। उसे प्यास लग रही थी लेकिन मेज़ पर पानी वाला जग और गिलास भी नहीं था। उसने दरवाज़ा खोलकर बरामदे में इधर उधर देखा। गुसल खाना उस बरामदे के आखिर में था। वो दो गुसलखाने थे, एक बरामदे के दाएं सिरे पर और दूसरा बाएं सिरे पर। वो कमरे से निकलकर दाएं तरफ चलने लगी। कमरे का दरवाज़ा उसने खुला ही छोड़ दिया था। गुसल खाने में आकर उसने टूटनी से मूल गाकर पानी पिया और फिर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस गुसल खाने की टंकी में पानी कहाँ से आता था, लेकिन पानी ठंडा और मीठा था। गुसल खाने से निकल कर वो इधर उधर देखती हुई बरामदे में चलने लगी और फिर कमरे में आने की बजाय साहिबान नुमा उस बरामदे में मुड़ गई जो एक दूसरी इमारत की तरफ चला गया था। हवेली के मुख्तलिफ इमारतों को एक दूसरे से मिलाने के लिए इस किस्म के साहिबान नुमा बरामदे बने हुए थे ताकि तेज़ धूप और बारिश में भी एक इमारत से दूसरी इमारत तक आमदोरफ़त जारी रखी जा सके। वह उस इमारत के मुख्तलिफ राहदारियों से होती हुई वसी व अरीद डाइनिंग हॉल में पहुँच गई। डाइनिंग टेबल के कोने पर बर्तनों की ट्रे देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सकी। अब उसे यकीन हो गया था कि इस कमरे में आने वाला खामस ही था। वो डाइनिंग हॉल में इधर उधर देखने लगी। दीवारों में कई गहरी अलमारियां बनी हुई थी जिन पर शीशे के दरवाजे लगे हुए थे। बेशतर अलमारियों में चीनी, तांबे और चांदी के बर्तन सजे हुए थे। उन खूबसूरत बर्तनों को देखकर अच्छे वक्तों में उस लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल की शान शौकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। खामस, ज़रियाब ने किचन के दरवाजे की तरफ देखते हुए पुकारा। दो तीन मरतबा पुकारने पर भी कोई जवाब ना मिला तो वह किचन में दाखिल हो गई। बड़ा वसी और शानदार किचन था। दो फुल कुकिंग रेंज लगे हुए थे। दोनों के अतराफ में बड़े गैस सिलेंडर भी नज़र आ रहे थे। तमाम बर्तन बड़े साफ सुथरे और सलीके से रास्ता थे। ये सब कुछ देखती हुई ज़रियाब एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये कमरा भी किचन की तरह वसी था और पेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दीवारों के साथ शेल्फ बने हुए थे और ज़रूरियात की चीज़ें वाफर मकदार में सलीके से रखी हुई थीं। एक कोने में गैस के दो सिलेंडर भी मौजूद थे। दूसरे चीज़ों की तरह शायद गैस के ये सिलेंडर भी रेजोरो रखे जाते थे। ज़रियाब दोबारा किचन में आ गई। पुराने ज़माने में यह किचन न जाने कैसा होगा, लेकिन अब उसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाया गया था। अलबत्ता चूल्हों के ऊपर तकरीबन 3 फुट की बुलंदी पर टीन का बना हुआ वो लंबा चौड़ा शेड अब भी मौजूद था जो ऊपर से पाइप की सूरत में छत से बाहर निकल गया था। पहले यहाँ चूल्हों में लकड़ी जलती होगी और ऊपर से ये शेड और पाइप धुएं के अखराज के लिए लगाया गया था। वो कुछ देर इधर उधर देखती रही और फिर उसने बाएं तरफ शेल पर पड़ी हुई माचिस उठाकर एक चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। चंद मिनट में चाय तैयार हो गई और वह चाय कप में उंडेलने लगी। ये क्या हो रहा है? अपने पुश्त पर यह आवाज़ सुनकर वह उछल पड़ी। कैतरी उसके हाथ से छूट गई जो कप से टकराती हुई उलट गई और चाय नीचे बहने लगी। वो तेज़ी से मुड़ गई।
किचन के दरवाजे में देव कामत खामस खड़ा था और उसकी आंखों से शोले बरसते हुए महसूस हो रहे थे। वो मैं चाय बना रही थी। जरियाब हकलाई और उल्टी हुई केतली और कप की तरफ देखने लगी। चाय नीचे बह रही थी। मैं अपने कामों में किसी की मदाखलत पसंद नहीं करता, खामस ने आगे बढ़ते हुए कहा। आइंदा किचन में दाखिल मत होना, अपने कमरे में जाओ, मैं चाय ले आऊँगा। जरियाब ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाया और घूरती हुई निगाहों से खामस को देखने लगी। उसे खामस का तर्ज अमल पसंद नहीं आया था। पहली मरतबा जब खामस से आमना सामना हुआ था तो उसने उसे मिस जरियाब कहकर मुखातब किया था और उसके बाद वह उसे तुम कहकर मुखातब करता रहा था। वो हवेली का मामूली सा मुलाजम था मगर जरियाब से उसका रवैया बड़ा तोहीन अमीज था। मैं जागीरदार निमरान की मेहमान हूँ और तुम्हें इस तरह बदतमीजी से मुझसे बात करने का कोई हक नहीं, जरियाब ने कहा और उसके लहजे में नागवारी थी। मैं अपने कामों में किसी की मदाखलत पसंद नहीं करता, खामस ने बदस्तूर सर्द लहजे में जवाब दिया। अपने कमरे में जाओ। जरियाब चंद लम्हे से घूरती रही और फिर पैर पटकती हुई किचन से निकल कर ड्राइंग रूम से होती हुई राहदारियों में चकराने लगी। अपने कमरे में आकर वो बेचैनी से टहलने लगी। उसने दूसरी खिड़की भी खोल दी थी। खामस की इस बदतमीजी पर वो बुरी तरह तलमला कर रह गई। उसने तय कर लिया था कि जब निमरान से मुलाकात होगी तो वो उसकी शिकायत ज़रूर करेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि निमरान उनसे मुलाकात कब होगी और उसे इस कदर पुर इसरार क्यों बनाया जा रहा था। वो बीमार था और उस हवेली के किसी हिस्से में मौजूद था लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद खामस चाय लेकर आ गया। जरियाब उस वक्त खिड़की के सामने खड़ी थी। खामस के कदमों की चाप उस वक्त भी उसने नहीं सुनी थी और मेज पर कप रखने की आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी। वो पीछे मुड़ी तो खामस वापस जा रहा था। एक मिनट रुक जाओ खामस, जरियाब ने उसे आवाज़ दी। खामस दरवाजे के करीब रुक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। मेरे कमरे से बर्तन तुम लेकर गए थे, जरियाब ने पूछा। खामस ने जबानी जवाब देने के बजाय असबात में सर हिला दिया। रात के पिछले पहर तुम्हें बर्तनों की क्या जरूरत पड़ गई थी और तुम कमरे में किस तरह दाखिल हुए थे? दरवाजा अंदर से बंद था, किस तरह खोला था तुमने दरवाजा? और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस तरह किसी औरत के कमरे में दाखिल होना नहायत गैर अखलाकी हरकत है? जरियाब उसे घूर रही थी। और मैंने कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की, खामस ने भी नागवारी से लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनकर उस तरफ आया था और तुम शायद नींद में डर गई थी और चीखती हुई कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। तुमने दरवाजे का कुंडा तो खोल दिया था लेकिन बाहर नहीं निकल सकी थी और बेहोश होकर दरवाजे की अंदर की तरफ गिर गई। मैंने तुम्हें उठाकर मसहरी पर लिटा दिया और वापस जाते हुए बर्तन भी ले गया था। मैं चीखी थी, दरियाब ने उसे घूरा। हाँ, आवाज़ तुम्हारे कमरे से आई थी और फिर मैंने तुम्हें यहाँ बेहोश पड़े देखा था। उसने दरवाजे के करीब इशारा किया और मेरा ख्याल है कि रात को तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा और नींद में दौड़ कर कमरे से निकलना चाहती थी, लेकिन हवेली में दूसरी औरत कौन है? जरियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। दूसरी औरत? खामस के लहजे में हैरत थी लेकिन चेहरे के तासरात उसके लहजे का साथ नहीं दे रहे थे। हवेली में कोई दूसरी औरत नहीं है, मैंने रात को उसके चीखने की आवाज़ सुनी थी और यहाँ अपने कमरे के सामने। जरियाब ने बाहर की तरफ इशारा किया। मुझे याद आ गया और मैं उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर उठी थी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम उस औरत को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे और फिर शायद मुझे चक्कर आ गया था और मैं गिर गई थी। कौन थी वो औरत? ओहो, और खामस के मुँह से गहरा सांस निकल गया। मैंने कहा ना कि हवेली में कोई दूसरी औरत नहीं है। और वो नर्स? जरियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। क्या वो औरत नहीं है? वो जागीरदार की देखभाल पर मामूर है और वो हवेली के हिस्से में नहीं आती, खामस ने जवाब दिया। जागीरदार कहाँ है और मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जाता? जरियाब ने कहा। आज अगर मुझे उससे मिलाया ना गया तो मैं खुद उसे तलाश करूंगी। हवेली के मामलात में मदाखलत की कोशिश मत करना, खामस ने कहर आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रुक जाओ, जरियाब ने करख्त लहजे में कहा। खामस रुक गया। मेरी डायरी कहाँ है? डायरी? खामस तेजी से उस तरफ मुड़ गया। कैसी डायरी? मैं रात को बिस्तर पर बैठी डायरी लिख रही थी, जरियाब ने कहा, और वो डायरी यहीं बिस्तर पर थी और जब मेरी आंख खुली तो वो डायरी गायब थी। कमरे में सिर्फ तुम आए थे, बर्तन लेकर तुम गए थे और वो डायरी?
वो खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगी। बकौले तुम्हारे उस हवेली में मेरे और तुम्हारे अलावा किसी तीसरी हस्ती का वजूद नहीं। जागीरदार और उसकी तीमारदार नर्स को मैं शुमार नहीं कर रही, उन्हें ना जाने कहाँ कैद करके रखा गया है। ज़ाहिर है कि मैं खुद अपनी डायरी गैब नहीं कर सकती, सिर्फ तुम रह जाते हो और रात को तुम मेरे कमरे में आए थे। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, खामोश ने उसे घूरा। मैं तुम्हारी डायरी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो तेजी से मुड़ा और कमरे से निकल गया। ज़रियाब उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखती रही और फिर वह मेज़ की तरफ आ गई और चाय का कप उठाकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। खुश्क दूध की बनी हुई चाय ठंडी होकर बदमजा हो गई थी। उसने दो चार घूंट भरे और कप मेज़ पर रख दिया। उसका दिमाग चकरा कर रह गया था और रात उसने कोई ख्वाब खौफनाक ख्वाब नहीं देखा था। जो कुछ भी हुआ था सब कुछ हकीकत था। उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ और किसी औरत की सरगोशी सुनी थी जो उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी, और जब उसने दरवाज़ा खोला था तो वो औरत किसी तरफ भाग गई थी। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ से यूं लगा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और उसकी चीखों की आवाज़ भी उसने साफ तौर पर सुनी थी। खामोश कह रहा था कि हवेली में कोई दूसरी औरत नहीं है, वो झूठ बोल रहा था। सूरज तुलू हो चुका था, धूप फैल रही थी। कुछ देर बाद खामोश नाश्ता लेकर आ गया। उसने नाश्ता मेज़ पर लगा दिया, खाली ट्रे मेज़ के पाए के साथ खड़ी कर दी और मेज़ पर पहले से रखा हुआ कप उठाकर चला गया। ज़रिया बड़ी गहरी नज़रों से उसकी हरकतों सकनात का जायज़ा ले रही थी। उस वक़्त ना तो वह कुछ बोली थी और ना ही खामोश ने कुछ कहा था। ज़रिया मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। दफ़तन ही उसके जेहन में एक ख्याल उभरा, बड़ा ही भयानक ख्याल था, और उसे नाश्ते या खाने में जहर ना दे दिया जाए। और ये ख्याल आते ही उसका हाथ रुक गया, मुंह का नवाला हलक से उतरना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर ये ख्याल उसने जेहन से झटक दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनसे उसकी क्या दुश्मनी थी, और वो लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि वो जागीरदार से मिलने क्यों आई है। और उसने सर झटक दिया और अतमीनान से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद वो कभी खिड़की के सामने खड़ी हो जाती और कभी बरामदे में आ जाती। एक घंटा गुजर गया, खामोश बर्तन लेने नहीं आया था और वह उस वक्त बरामदे में खड़ी थी। चढ़ती हुई धूप में फिजा बड़ी पुरइसरार लग रही थी। हवेली में किसी तरफ कोई जीरो दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही किसी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। गोपांड ने हवेली के लिफ्ट विंग की तरफ जाने से मना किया था, लेकिन किसी और तरफ जाने के लिए उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। उसने सोचा क्यों ना आज हवेली के बाकी हिस्सों का मुआयना कर लिया जाए। वो बरामदे से निकलकर सामने वाले मैदान की तरफ बढ़ गई। मैदान में खुद रू झाड़ियाँ थीं जो सूख चुकी थीं, और उस मैदान की दूसरी तरफ एक तवील ब्लाक था। दरिया मैदान अबूर करके उस ब्लाक में दाखिल हो गई। कई कमरे थे और सब के सब खाली थे। तमाम कमरों के फर्श पर गिर्द की तय जमी हुई थी। वो एक राहदारी में से होती हुई पिछली तरफ निकल आई। चंद गज के फासले पर एक और दो मंजिला चकोर इमारत थी और वो उस इमारत में दाखिल हो गई। दरमियान में एक बड़ा हाल था और उसके अतराफ में तीन कमरे थे और चौथी सीमत ऊपर जाने के लिए जीना था। ज़रियाब उन कमरों को खोलकर देखती रही और एक कमरे में कुछ कार कबाड़ भरा हुआ था और दूसरे कमरे के फर्श पर घास फूस बिखरा हुआ था। उस कमरे की एक दीवार पर कोई पेंटिंग साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। वो तीसरे कमरे से निकलकर चौथे कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने सारे उठाकर ऊपर देखा, आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में इधर उधर टहल रहा हो, और वह जीने की तरफ बढ़ गई। दबे कदमों सीढ़ियों पर चढ़ती हुई वो ऊपर वाले हाल में पहुंच गई और उसने तमाम कमरे देख डाले, लेकिन किसी का नामोनिशान तक नहीं था। ऊपर भी हाल के अतराफ में उसी तरह कमरे बने हुए थे जिनके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थीं। खिड़कियों से आने वाली तेज हवा से साए साए की आवाज़ पैदा हो रही थी। वह वापस जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि वही आवाज़ सुनकर ठठक गई, और बिल्कुल यूं लगा था जैसे कोई उसके आगे दो कदम चला हो, और वह खौफजदा सी होकर इधर उधर देखने लगी और फिर उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो गत्ते का डब्बा था, जूते वाले डब्बे से ज़रा छोटा था और हवा से इधर उधर लड़कने लगता था। दरियाब ऊपर वाले कमरे में देखने के बाद नीचे आ गई। वो बाहर जाना चाहती थी कि जीने के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा देखकर चौंक गई। दरवाजे पर कुंडा लगा हुआ था और उसने कुंडा खोल दिया। अंदर तारीकी थी।
वह चंद लम्हे सोचती रही और फिर उस इमारत से निकलकर किचन वाले ब्लॉक में आ गई। उस तरफ खामस से सामना होने का अंदेशा था, लेकिन उसे खामस की नाराजगी की कोई परवाह नहीं थी। उसने किचन से माचिस उठाई और तेज तेज कदम उठाती हुई दोबारा उसी ब्लॉक में पहुंच गई। जीने के नीचे दरवाजे में दाखिल होकर उसने दिया सलाई जलाई। दाएं तरफ दीवार के साथ हुक में एक मशल टंगी हुई थी। उसने मशल खोक से निकालकर रोशन कर ली और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगी। ये एक तंग सा ढलानी रास्ता था। कदीम किलों और हवेलियों में इस किस्म के खुफिया रास्ते जरूर हुआ करते थे। दरियाब आगे बढ़ते हुए सोच रही थी कि यह खुफिया रास्ता उसे हवेली से बाहर ले जाएगा, लेकिन उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ। ढलानी रास्ता एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे पर खत्म हो चुका था और उस हाल में बहुत सी कदीम तर्ज की टूटी फूटी कुर्सियां बिखरी हुई थी। बिल्कुल सामने एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर भी चंद टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थी। चबूतरे के पीछे दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग आवेजा थी। जरियाब चबूतरे पर चढ़ गई और मशल ऊपर उठाकर उस पेंटिंग को देखने लगी। ये दरअसल एक औरत का बहुत बड़ा पोर्ट्रेट था। सफ़ेद लिबास और चादर इस तरह ओढ़ रखी थी जैसे उस तरफ घूंघट का सा काट रखा हो। उसका निसफ चेहरा बिल्कुल वाजे तौर पर नजर आ रहा था। जरियाब गौर से उसे देख रही थी और उसे यूं लग रहा था जैसे ये चेहरा उसने पहले भी देखा हो, और फिर उसे याद आ गया पिछली रात जिस कमरे में उसकी आँख खुली थी वहाँ एक ऐसी पेंटिंग भी आवीज़ा थी जिसमें चांदनी रात में किसी किलानुमा हवेली और खेतों का मंजर दिखाया गया था। खेतों में पिगडंडी पर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी और जिसके चेहरे पर बेपनाह उदासी थी, और ये पोर्ट्रेट ये उसी औरत का चेहरा था। जरियाब मशल उठाए बड़े गौर से उस पोर्ट्रेट को देख रही थी कि अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस करके उसके सीने में अपना सांस रुकता हुआ लगा, और बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। हाथ ज्यादा भारी नहीं था इसलिए वो खामस नहीं हो सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ने लगी और फिर उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। वही हसीन औरत उसके सामने खड़ी थी जिसका पोर्ट्रेट दीवार पर आवेजा था, और दरियाब के मुंह से एक और चीख निकली और उसके हाथ से मशल छूटकर एक टूटी हुई कुर्सी पर गिरी और वो खुद लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हटती चली गई और उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। उस औरत ने सीधा हाथ उठा दिया जैसे उसे पुरसकून रहने का इशारा कर रही हो, और उसके साथ ही दो कदम आगे भी बढ़ी थी। जरियाब बदस्तूर चीखती और लड़खड़ाती उल्टे कदमों पीछे हटती गई और बिल आखिर दीवार से जा लगी। उसका सर दीवार पर आवेदा पेंटिंग के फ्रेम के निचले हिस्से से टकराया और उसने सर उठाकर ऊपर देखा। उसकी आंखें खौफों दहशत से फटी जा रही थीं। उसके सर के ऊपर दीवार पर वो तस्वीर आवेदा थी जो उसके ख्याल में कम अज कम 100 या 150 साल पहले पेंट की गई थी, और सामने वो औरत थी जिसकी वो तस्वीर थी। ये जिंदा औरत तो हरगिज नहीं हो सकती थी और वो यकीनन बदरू थी। वो औरत सीधा हाथ सामने को उठाए आगे बढ़ती रही और बिल आकर दरियाब से 2-3 कदम के फासले पर रुक गई। मशल कुर्सी पर इस तरह गिरी थी कि उसका जलता हुआ सिरा सीट के किनारे पर था, और मशल के प्याला नुमा हिस्से में किसी जानवर की चर्बी या जो भी चीज थी सीट पर गिर गई थी और सीट ने भी आग पकड़ ली थी। शोले उठने लगे और उस औरत ने मुड़कर देखा और लपक कर मशल उठा ली। उसने कुर्सी की आग बुझाने की कोशिश नहीं की थी और वो कुर्सी वैसे भी कदरे अलग थलग पड़ी थी, और उसे दूसरी कुर्सियों को आग लगने का अंदेशा नहीं था। उसने मशल अपने सामने कर ली और दोबारा दरियाब के करीब आ गई। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, उसके होंठों से सरगोशी निकली। दरियाब के चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए, आंखों में वहशत बढ़ गई। ये सरगोशियाना आवाज बिल्कुल वही आवाज थी जो गुज़श्ता रात उसने अपने कमरे के दरवाजे पर सुनी थी। उसने चीख रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फटी फटी सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जलती हुई कुर्सी के शोलों और मशल की कपकपाती हुई रोशनी में वो औरत बहुत ही पुर इसरार लग रही थी। सफेद लिबास और सर पर सफेद चादर इस तरह पड़ी थी कि एक तरफ घूंघट सा निकल आया था, जबकि चेहरे का दूसरा रुख रोशनी की जिद में था और बिल्कुल वही पोज था जो उसके सर के ऊपर अवेदा तस्वीर में था। इंतहाई खौफजदा होने के बावजूद जरियाब को दिल ही दिल में ये एतराफ करना पड़ा कि वह बेहद हसीन थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ,
उस औरत ने कहा, और लहजा इस मर्तबा भी दोस्ताना था, क्या रूहें भी किसी की दोस्त हो सकती हैं? ज़रियाब की हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली, रूह, और उस औरत की हलक से बेअख्तियार कहकर निकला। नकरई कहके की खनक पूरे हाल में फैल गई, मैं कोई रूह नहीं हूँ, तुम्हारी तरह गोश्त पोश्त की इंसान हूँ, और लो मुझे छू कर देखो और तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। नहीं नहीं, ज़रियाब अपनी जगह पर सिमटने की कोशिश करने लगी। खामस ने जागीरदारान निमरान की देखभाल करने वाली नर्स के अलावा हवेली में किसी भी औरत के वजूद से इनकार किया था, लेकिन फिर उसे रात का वाकया याद आ गया। कोई औरत उसका नाम लेकर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती रही थी, और वो आवाज़ उस औरत की आवाज़ से मुशाबा थी। और फिर रात को जब उसने दरवाज़ा खोला था तो वो औरत गायब हो गई थी, और फिजा में दौड़ते हुए कदमों और नस्वानी चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। ये वही औरत या रूह थी जिसने रात को उसका दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की थी। ओहो, और औरत के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, और तुम्हारे दिल में खौफ बैठा हुआ है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त कौन हो तुम? ज़रियाब ने सुखौफज़दा से लहजे में पूछा, और वह उसका सरापे का जायजा ले रही थी। उसका पूरा जिस्म सफ़ेद लिबास में छुपा हुआ था, सिर्फ चेहरा और हाथ बरहना थे, और उसके हुस्न में कोई कलाम नहीं था। रंगत ऐसी जैसे मैदे में हल्का सा गुलाबी रंग मिला दिया जाए। गजाल जैसी मोटी मोटी सियाह आँखें, लेकिन उन आँखों में बड़ी उदासी थी। हाथों की मखरूती उंगलियाँ बहुत खूबसूरत थीं। ज़रियाब के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। मैं कुंदन हूँ, उस औरत ने ज़रियाब की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ज़रियाब, तुम मेरा नाम भी जानती हो। ज़रियाब हकला गई, कल रात? हाँ, कुंदन ने उसकी बात काट दी, तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक मैंने ही दी थी, और मैंने ही तुम्हें सरगोशियों में आवाज़ दी थी, लेकिन तुम शायद उस वक्त सो गई थी। नहीं, मैं जाग रही थी, ज़रियाब ने जवाब दिया, और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, अलबत्ता चीखों की आवाज़ें। हाँ, मैंने ही जान बचाने के लिए भागी थी, कुंदन ने कहा। जान बचाने के लिए? ज़रियाब के लहजे में हैरत थी। दोस्ताना अंदाज में बातों से उसका खौफ जायल हो रहा था, और क्या रूहों को भी जान का खौफ होता है? कुंदन एक बार फिर हल्का सा कहका लगाया, तुम्हें शायद मेरे इंसान होने का यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, तुम जिन हालात से दो चार हो उनके पेशे नज़र तुम किसी बात का भी यकीन नहीं कर सकती। ये तस्वीर, ज़रियाब ने अपने सर के ऊपर दीवार पर आवेदा तस्वीर की तरफ इशारा किया, ये एक तवील दास्तान है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगी। कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, और मेरे बारे में क्या जानती हो? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। चंद रोज पहले मैंने छुपकर गोपांग और जागीर के मैनेजर रखेल शाह की बातें सुन ली थी। रखेल शाह आमतौर पर दरवेशपुर में ही रहता है। गोपांग को ये बताने के लिए उस रोज खास तौर पर यहाँ आया था कि ज़रियाब नाम की एक लड़की जागीरदार से मिलने के लिए आने वाली है, उसे जागीरदार से दूर ही रखा जाए, और अगर वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो क्या? कुंदन के खामोश होने पर ज़रियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, तुम खतरे में हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, कुंदन ने जवाब दिया, लेकिन मेरी इनसे क्या दुश्मनी है? ज़रियाब ने कहा, और मैं तो उन लोगों को जानती तक नहीं, ये लोग मुझे क्यों नुकसान पहुँचाएंगे? मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ, कुंदन ने कहा, और हल्के हल्के कदम उठाती हुई एक तरफ चलने लगी। ज़रियाब कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी उसकी तरफ देखती रही, और उसकी नज़रें कुंदन के कदमों पर थी। उसने सुन रखा था कि रूहों के पैर ज़मीन पर नहीं लगते, और अगर वो ज़मीन पर चलती हुई नज़र भी आएँ तो पैरों के निशानात नहीं बनते। लेकिन कुंदन ने जो लिबास पहन रखा था वो एक लिबादे की तरह था, और उसके पैर छुप गए थे, और लिबादा ज़मीन पर घिसड़ता हुआ जा रहा था। मेरे साथ आओ, डरो नहीं, कुंदन ने पीछे मुड़कर देखा। ज़रियाब बेखुदी की किसी कफियत में उसके पीछे चलने लगी, और कुर्सी अभी तक जल रही थी। जर्द लड़ती हुई रोशनी में मुतहरक सफ़ेद लिबादा बहुत ही पुर इसरार लग रहा था, और एक मरतबा तो ज़रियाब के दिल में आया कि वह इस तंग रास्ते की तरफ भाग खड़ी हो और जिस तरफ से आई थी, लेकिन वह अपने इस इरादे पर अमल ना कर सकी। चबूतरे से उतर कर कशां कशां कुंदन के पीछे चलती रही। उस वसी और हाल में सिर्फ उसी जगह रोशनी थी जहां वो कुर्सी जल रही थी, या जिस तरफ कुंदन मशाल लेकर चल रही थी।
बाकी हाल का बाकी हिस्सा तारीकी में छुपा हुआ था। हाल की दाएं तरफ आखिरी सिरे पर एक तंग सा रास्ता था। कुंदन उस रास्ते में दाखिल हो चुकी थी। उसने मशाल उसकी तरफ उस तरह उठा रखी थी कि पीछे आने वाली दरियाब को भी रास्ता दिखाई देता रहे, और वो तंग रास्ता 10-12 गज से ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। एक दरवाजा उस तंग सी राहदारी के दाएं तरफ था और एक बाएं तरफ, लेकिन कुंदन उन दोनों में से किसी दरवाजे में दाखिल नहीं हुई। राहदारी के अख्ताम पर सुर्ख ईंटों की दीवार के करीब रुककर मशाल की रोशनी में नीचे बैठकर दीवार के अंदर एक सुराख में हाथ डाल दिया और उस सुराख को देखकर यूं लगता था जैसे कोई ईंट उखड़कर निकल गई हो। सिर्फ 3 सेकंड बाद कुंडन उठकर खड़ी हो गई। तकरीबन उसी लम्हे सामने वाली दीवार शक हो गई और उसमें इतना रास्ता बन गया कि एक भारी भरकम आदमी भी आसानी से गुजर सकता था। कुंदन उस रास्ते में दाखिल हो गई। दरियाब आगे बढ़ते हुए हचकचा रही थी। आओ डरो नहीं, कुंदन ने मुड़कर कहा। दरियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ देर तक अजीब सी नज़रों से कुंदन की तरफ देखती रही और फिर अंदर दाखिल हो गई। कुंदन ने दीवार की दूसरी तरफ लगी हुई लकड़ी के खूंटी को पकड़कर घुमा दिया। दीवार बराबर हो गई। यह हवेली पता नहीं कब तामीर हुई थी, लेकिन उसके खुफिया रास्तों के मैकेनिज्म अब भी बेहतरीन हालत में हैं, कुंदन ने कहा। तुमने कदीम जमाने की हवेलियों, किलों और महलात के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। नवाब जागीरदार और हुक्मरान अपने मामलात और किलों में इस किस्म के खुफिया रास्ते ज़रूर बनाते थे ताकि किसी मुश्किल वक़्त में भी अपनी जान बचाने के लिए उन रास्तों को इस्तेमाल कर सकें। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। दरियाब को यह अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह खुफिया रास्ता उसी दीवार में बना हुआ था, और ये तो उस रोज़ भी देख चुकी थी कि हवेली की दीवारें बहुत चौड़ी थी, और ये इंकशाफ खासा दिलचस्प साबित हुआ था कि उन दीवारों के अंदर खुफिया रास्ते बने हुए थे। और वो कुंदन के पीछे पीछे चलती हुई दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआएं मांगती रही। अगर उसे उस तंग सुरंग में ही ख़त्म कर दिया गया तो दुनिया उसके बारे में कभी कुछ नहीं जान सकेगी। वो उस तंग रास्ते में आगे पीछे चलती रही, और ये रास्ता शैतान की अंत की तरह तवील साबित हुआ था और उसमें कई मोड़ आए थे। कभी ये रास्ता हमवार होता, कभी ढलवान और कभी बुलंदी की तरफ जाता था। दरियाब के लिए ये बात बड़ी हैरत अंगेज थी कि इस कदीम हवेली की चौड़ी दीवारों के अंदर और उसके नीचे सुरंगों का जाल सा बिछा हुआ था, और बिल आकर वो एक कुशादा कमरे में निकल आई। दरियाब को अंदाजा नहीं था कि यह हवेली का कौन सा हिस्सा था। कुंदन ने मशाल बुझाकर कमरे के एक कोने में रख दी और वह सुरंगों से बाहर आ गई थी, और यहाँ दिन की रोशनी में उन्हें मशाल की जरूरत नहीं थी। कुंदन कमरे से निकल कर उसे मुख्तलिफ राहदारियों में घुमाती हुई एक दरवाजे के सामने रुक गई। उसने मुड़कर दरियाब की तरफ देखा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सख्त तरीन बदबू का एक भपका दरियाब की नाक से टकराया और उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा। उसके साथ ही उसे यूं लगा जैसे कलेजा मुंह को आ रहा हो, और उसने जल्दी से नाक और मुंह पर हाथ रख लिया। कमरे का माहौल नीम तारीख था, लेकिन अंदर का मंदिर देखने में उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। फर्श पर शिगन की फूली हुई लाश पड़ी थी, और उसका चेहरा कुछ और भयानक हो गया था। उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। लाश से सख्त तफन उठ रहा था। दरियाब को अबकाई सी आ गई और दरवाजे के सामने से हटकर दौड़ती हुई कई कदम दूर चली गई। कुंदन ने दरवाजा बंद कर दिया। राहदारी के अख्ताम पर एक जीना था, और कुंदन उसे इशारा करती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। दरियाब भी उसके पीछे थी। सीढ़ियों का अख्ताम एक ऐसी जगह पर हुआ था जिसे कमरा नहीं कहा जा सकता था। एक गोल बुर्जी सी थी, और उसे एक तरह से बारा दरी भी कहा जा सकता था। 4 सतून थे। ऊपर गुंबद नुमा गोल छत थी। चारों तरफ तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार थी, और उसके दरमियान और छत के दरमियान खुली जगह थी, और जिसकी वजह से तेज हवा आ रही थी। दरियाब ने दीवार पर झुककर देखा। नीचे तकरीबन 50 फुट गहराई में घना जंगल नजर आ रहा था, और उस जंगल के परली तरफ काफी दूर 2 पहाड़ियां दिखाई दे रही थी जहां से गर्दोगबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था। यह बुर्जी हवेली के फसील के एक सिरे पर थी, और जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कदीम जमाने में इस बुर्जी से नगरान चौकी का काम लिया जाता होगा, जहां दिन रात मुहाफ़िज़ खड़े रहते होंगे, और उस बुर्जी से मीलों दूर तक देखा जा सकता था। बैठ जाओ, कुंदन कहते हुए खुद भी दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। कितनी ठंडी हवा आ रही है, जी चाहता है कि यहीं बैठे रहें।
ज़रियाब अजीब सी निगाह से उसकी तरफ देखती हुई सामने वाली दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वो खामस के बारे में सोच रही थी, और अगर उसे मालूम हो गया कि ज़रियाब अपने कमरे में नहीं है तो वो उसे तलाश करता हुआ यकीनन इस तरफ भी निकल आएगा। खामस कुंदन ने जैसे उसके ख्यालात पढ़ लिए, वो हवेली में नहीं है। सूरज निकलने के से थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसे घोड़े पर सवार दरवेशपुर की तरफ जाते हुए देखा था। घोड़े पर ज़रियाब ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन मैंने तो हवेली में खामस के अलावा किसी और जीरो को नहीं देखा। हवेली के बाहर उस तरफ और कुंदन ने एक तरफ इशारा किया, एक छोटा सा मकान है जहाँ एक बूढ़ा अपनी बीवी के साथ रहता है। वहाँ एक अस्तबल भी है जहाँ 2-3 घोड़े भी मौजूद हैं। खामस को कहीं जाना हो तो उसी तरफ से जाता है। वहाँ आमदोरफत के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा है, और वह चंद लम्हों को खामोश भी, फिर बोली, यह हवेली का आखिरी सिरा है और तुम जिस कमरे में रहायश पजीर हो वो उस तरफ है, और यहाँ से तुम्हें हवेली का वो हिस्सा नज़र नहीं आएगा। शिगन को किसने कत्ल किया है? ज़रियाब ने अचानक सवाल किया। तुम्हारी मुराद उस शख्स से है जिसकी अभी तुमने लाश देखी थी, कुंदन ने पूछा। हाँ, ज़रियाब ने इस्बात में सर हिलाया, रेलवे स्टेशन पर मुलाजम था। ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले मेरी मुलाकात उसी अजीबोगरीब हैबत वाले शख्स से हुई थी, और मैंने उसे हवेली का रास्ता दरियाफत किया तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। हवेली के बारे में अजीबोगरीब और पुर इसरार दास्तानें सुनाकर मुझे खौफजदा करना चाहा था, लेकिन मैंने हवेली की तरफ आने का इरादा तर्क नहीं किया। स्टेशन का एक दूसरा मुलाजम कमाल मेरे साथ आने पर आमादा हुआ तो शगन जंगल में छुपकर हमारा पीछा करता रहा, और वह शायद मुझे खौफजदा करना चाहता था कि मैं वापस लौट आऊं। जब हम हवेली से कुछ फासले पर रह गए तो उसने छुपकर खंजर से मुझ पर हमला किया, तो मैं उससे हमले से बच गई, लेकिन मेरे साथ आने वाला रेलवे का दूसरा मुलाजम कमाल उस खंजर का निशाना बन गया, और वह वहीं तड़प तड़प कर ख़त्म हो गया। और मैं जब चीखती हुई हवेली की तरफ दौड़ी तो गेट के ऐन सामने शिगन ने मेरा रास्ता रोक लिया, और मैं इस कदर खौफजदा थी कि अपने हवास पर काबू न रख सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। हकीकत वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, कुंदन ने कहा। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? हकीकत क्या है? ज़रियाब ने उसे घूरा। तुम पर कातलाना हमला शगन ने नहीं, खामस ने किया था, कुंदन ने कहा। खामस? ज़रियाब उछल पड़ी। लेकिन यह हकीकत है, और कुंदन ने उसकी बात काट दी। शगन हवेली का वफादार था, और जब तुमने उसे हवेली का रास्ता दरियाफत किया तो उसे किसी गड़बड़ का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो समझ गया था कि तुम हवेली में पहुंच गई तो वापस नहीं आ सकोगी। उसने हवेली के बारे में फर्दी और खौफनाक दास्तानें सुनाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तुम नहीं मानी तो तुम्हारा पीछा करके जंगल में अजीबोगरीब हरकतों से तुम्हें खौफजदा करने की कोशिश की। वो तुम्हें हर सूरत में हवेली में दाखिल होने से रोकना चाहता था, और फिर वो हुआ जिसकी शायद उसे भी तवक्का नहीं थी। खामस को किसी तरह पता चल गया था कि तुम हवेली की तरफ आ रही हो, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि शगन छुपकर तुम्हारा पीछा कर रहा है। खामस ने खंजर से हमला करके तुम्हारे साथ आने वाले कमाल को हलाक कर दिया। वो खंजर जहर में भुजा हुआ था, और वह हमला तुम पर नहीं कमाल पर ही किया गया था। शगन ये सूरत हाल देखकर वहां से भाग निकला। उसे यकीन था कि तुम दौड़कर हवेली की तरफ ही जाओगी, और वह हर सूरत में तुम्हें रोकना चाहता था। उसने तुम्हें हवेली के गेट के सामने रोकने की आखिरी कोशिश की, मगर तुम खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। वो तुम्हें उठाना ही चाहता था कि खामस वहां पहुंच गया, और उसने शिगन पर हमला कर दिया और उसे भी बेहोश कर दिया। खामस तुम दोनों को उठाकर हवेली में ले आया, और दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। शगन को जल्दी होश आ गया, और वो किसी तरह कमरे से निकलने में भी कामयाब हो गया, और वह मुख्तलिफ कमरों में तुम्हें तलाश करने लगा। उसका ख्याल था कि वह तुम्हें हवेली से निकाल कर ले जाएगा, लेकिन उसी दौरान खामस भी उसी तरफ आ गया, और वो ये देखने आया था कि तुम दोनों में से कोई होश में आया है या नहीं। शगन एक सख्तून के पीछे छुप गया, लेकिन खामस ने उसे देख लिया था। शगन उसे बचने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, और खामस ने भी उसके पीछे दौड़ता हुआ छत पर पहुंच गया। अगर छत ज़्यादा ऊंची ना होती तो शगन वहां से छलांग लगा देता, लेकिन छत बहुत ऊंची थी और वह छलांग लगाने की हिम्मत ना कर सका, और खामस की गिरफ्त में आ गया। उन दोनों में धींगा मुश्ती हुई, और बिल आखिर खामस ने उस बेहोश करके उठा लाया और तुम्हारे कमरे से बहुत दूर यहाँ बांध कर डाल दिया। कुंदन खामोश हो गई, और दरियाब के दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी। उस रात अपने कमरे की छत पर उसने भाग दौड़ और धींगा मुश्ती की
जो आवाज़ें सुनी थी उसकी तस्दीक हो गई थी। वो चीख भी यकीनन शगन की थी और मुमकिन है कि उसे कोई ऐसी चोट लगी हो कि खून तो नहीं बहा लेकिन वह तकलीफ़ से चीख उठा हो, इसलिए उसे छत पर खून का कोई निशान वगैरह नज़र नहीं आया था। खामन ने छत पर ढींगा मुश्ती के निशान मिटा दिए होंगे, किसी झाड़ू वगैरह से धूल में उन निशानात को हमवार कर दिया होगा और हवा से उड़ने वाली धूल ने रहे सहे निशानात को मजीद मिटा दिया होगा। सुबह जब वो छत पर किसी किस्म के निशानात तलाश करने की कोशिश कर रही थी तो खामस भी वहां पहुंच गया होगा। उसे कमरे बिना पर खामस को यकीन हो गया होगा कि वो छत पर आई होगी और दरियाब की दराफत करने पर खामस ने छत पर किसी किस्म के ढींगा मुश्ती के वाके की सख्ती से तरवीद की थी। इत्तेफाक से उसके अगले रोज मैं हवेली में आई थी और कुंदन ने कहा और मैंने शगन को उसी कमरे में बंधे हुए देखा तो परेशान हो गई। मेरे पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारी मदद करूं और मैं उसकी रस्सियां खोलना चाहती थी लेकिन राहदारी में कोई चीज गिरने की आवाज़ सुनकर चौंक गई और मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो खामस उसी तरफ आ रहा था और मैं खिड़की के रास्ते से भाग निकली। मैंने सोचा था कि बाद में आकर उसे यहाँ से निकाल ले जाऊंगी लेकिन चंद घंटों बाद जब मैं दोबारा आई तो वह मर चुका था या उसे मार दिया गया था। मैं उसे छोड़कर चली गई और उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसका गोश्त गल सड़ जाएगा और ढांचा यहीं पड़ा रह जाएगा। मैंने हवेली में एक और ढांचा भी देखा था कुर्सी पर बंधा हुआ, दरियाब ने कहा। हाँ, हवेली के लिफ्ट विंग में वो ढांचा मैंने भी देखा है और वो भी हवेली का एक वफादार मुलाजम था जिसे कुर्सी पर बांध कर डाल दिया गया और वो उसी तरह बैठे बैठे ढांचे में तब्दील हो गया, कुंदन ने जवाब दिया।